हेलो दोस्तों, मैं करीम और आप देख रहे हैं करीम टेक्निकल माइंड। दोस्तों, ये मेरे पास है कि LG की वाशिंग मशीन है और इसमें इसका जो ये असेंबली है, ड्रेन असेंबली, दोस्तों ये चूहे ने इसको काट दिया है और आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा किस तरीके से आप इसको निकालेंगे, कैसे इसको निकाला जाता है और फिर इसमें नया कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में मैं आज आप दोस्तों को बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो चलिए इसको पहले निकालते हैं, बताते हैं किस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको इसके बीच से देखिए, इसके दो पार्ट होते हैं कि ये है वाश टब में और एक स्पिन टब में लगा होता है। तो आपको क्या है, इसको बीच से काटना है सबसे पहले, क्योंकि ये तो ख़राब हो ही गई है, तो इसको आपको पहले काटना है निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए काटा जा रहा है इसको। देखिए यहाँ पे ये पूरी तरीके से अब कट चुका है दोस्तों, ये अलग हो चुका है। अब कैसे इसको निकालना मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए, एक ये वाला अब अलग हो गया है वाश टब का और ये देखिए स्पिन का, ये अलग हो गया। तो सबसे पहले हम इस पर मारेंगे थोड़ा चोट, ताकि इस पर जो सोलेशन लगा हुआ है ये थोड़ा सा नरम हो जाए, हट जाए, और फिर उसके बाद इसको हम इसको हिला करके इस तरीके से निकाल लेंगे बाहर। देखिए यहाँ पर इस पर इस तरीके से आपको झटका मार देना है ताकि थोड़ा सा ढीला हो जाए। इसको गरम वरम करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, इसी तरीके से ये आसानी से एकदम निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये मार दिया गया। अब उसके बाद देखिए इसको हल्का सा इसे घुमाएंगे, देखिए घुमा रहे हैं ये, और घुमाते हुए देखिए ये निकल, एकदम आसानी से निकल गया दोस्तों। अब दूसरा हम निकालने बता रहे हैं आपको, इस पर भी इसी तरीके से आप चोट मारेंगे ताकि सोलेशन यहाँ से हट जाए, क्योंकि ये सूखा हुआ रहता है, क्योंकि ये सूखा हुआ रहता है सोलेशन, और इससे चोट लगती है तो ये ढीला हो जाता है। देखिए इस तरीके से मारे, फिर इसको देखिए इस तरीके से, फिर ये भी बाहर आ गया। तो ये आसानी से एकदम आप देखिए, दोनों असेंबली के हमने मतलब इस असेंबली को दो पार्ट में करके आसानी से इसको हमने बाहर कर लिया। और इसका देखिए एक सिरा ये है जो कि वाश टब का है और एक होल ये है जो कि स्पिन टब का है। तो इस तरीके से आपको एकदम आसानी से इस असेंबली को निकाल लेना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अब इसमें लगाया कैसे जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसको आसानी से निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद इस तरीके से जैसा कि हमने निकाला काट करके दो पार्टों में, तो इसको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं आसानी से। और फिर उसके बाद इसको साफ़ ऑफ करके अच्छी तरीके से फिर यहाँ पे सोलेशन लगा के हम इसमें नई असेंबली लगाएँगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक नई असेंबली है जो कि हम इसमें लगाएंगे। ये वाली असेंबली ख़राब हो गई थी, देखिए कि हिस्सा ये एक हिस्सा वो है, तो ये ख़राब हो गई थी, तो इसको हटाते हैं और ये नई वाली असेंबली अब किस तरीके से लगाया जाएगा इसमें, अब इसको आपको बता दें किस तरीके से इसको हम लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको लगाना है ये जो आपके पास बोन रहेगा उसको लगाना है इसको चारों तरफ अच्छी तरीके से। देखिए इस वाले इसमें अच्छी तरीके से एकदम कहीं पे भी कोई भी जगह खाली ना रहे, एकदम अच्छी तरीके से आपको नीचे से लेकर ऊपर तक अच्छे से लगा देना है, वरना फिर पानी वही लीक करेगा, क्योंकि पानी यहीं में इकट्ठा रहता है दोस्तों, ये वास वाला है भी। और अच्छी तरीके से लगाएंगे, फिर उसके बाद देखिए इसमें भी लगा देंगे जो ये वाला हिस्सा है, पर इसको साफ़ कर लेंगे अच्छी तरीके से, फिर इस पर भी हम अच्छी तरीके से एकदम लगाएँगे। इसमें कंजूसी ना करें, एकदम अच्छी तरीके से ज़्यादा लगाएँ इसमें अच्छी तरीके से, ताकि लग जाए, क्योंकि अगर सोलेशन सही से नहीं लगाएंगे, बोन सही से नहीं लगाएंगे, तो फिर होगा क्या कि फिर यहीं से पानी लीक करने लगेगा, फिर आपको परेशानी हो जाएगी। यहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से आपको लगाना है बोन, देखिए जिस तरीके से लगाया जा रहा है यहाँ पे। और देखिए इसका दूसरा हिस्सा है, इस पर भी अच्छी तरीके से लगाएंगे आप इस तरीके से। देखिए ये पूरा लग चुका है। अब देखिए ये वाले नहीं लगाते, इस वाले भी लगा देते हैं अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पे को अच्छी तरीके से लगाया जाएगा। तो बस ये हो गया। अब इसके बाद अब वो करना क्या है, अब इसमें उठाना है आपको असेंबली, और असेंबली उठाने के बाद दोस्तों आपको इसमें फिट कर देना है। देखिए इस तरीके से आपको इसमें फिट कर देना है। यहाँ पर देखिए बस ये आ गया पॉइंट, एक पॉइंट दूसरा वाला ये आ गया। तो इसको लेकर के आप इसमें थोड़ा सा प्रेस करना, ये आसानी से चला जाएगा। दोनों को एक साथ डालेंगे तभी जाएगा, वरना फिर नहीं जाएगा। देखिए ये आसानी से जा रहा है,
देखिए इस तरीके से आपको इशारे के साथ धीरे धीरे इसको अंदर ढकेल देना है, पूरा जितना जाएगा उतना अंदर कर देना है आपको। देखिए देखिए ये वाला तो पूरा आ ही चुका है, दोनों को साथ में करेंगे तभी जाएगा वरना फिर नहीं जाएगा, तो इसलिए आपको साथ में दोनों को डालना है इस तरीके से। देखिए देखिए ये भी अच्छे से आ चुका है, वो भी एकदम अच्छे से आ गया है। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया है पूरा। बस दोस्तों इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से इसमें इसको फिटिंग करनी है। देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे देखिए पूरी अच्छी तरीके से चला गया। थोड़ा सा इसमें ठोक के भी देख लेंगे जरा सिवा किनारे। अब देखिए एकदम कंपनी की तरह हम लोग लगाए हैं, इस तरीके कंपनी वाले लगाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सुलेशन, अगर सुलेशन अच्छी तरीके से आप लगाएं तो सुलेशन हल्का हल्का बाहर भी आ जाता है, इसका मतलब ये परफेक्ट सेटिंग इसकी हो चुकी है। देखिए चारों तरफ एकदम बेहतरीन लगा हुआ है, इस वाले पे भी और इस वाले पे भी एकदम अच्छी तरीके से लगा। देखिए ध्यान से एकदम बेहतरीन लगा हुआ है इस पर सुलेशन, और ये अच्छी तरीके से पकड़ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग एकदम आसानी से लगा सकते हैं इसमें असेंबली, और फिर इसको अब मैं आपको बता दूं इसको कम से कम 24 घंटा इसको यूज़ नहीं करना, मतलब इसमें पानी नहीं डालना है कम से कम। अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी, अगर 12 घंटा 4 घंटा ज़्यादा भी करते तो अच्छा, लेकिन 24 घंटा से पहले आप इसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर पानी डालेंगे तो ये जो सुलेशन दोस्तों सही से नहीं पकड़ पाएगा और फिर बाद में पानी यहीं से लीकेज करने लगेगा। तो आपको 24 घंटा कम से कम इसको छोड़ देना है। जब 24 घंटा हो जाएगा जिससे कि ये अच्छी तरीके से पकड़ इसकी बन जाएगी, तो फिर उसके बाद आप इसमें पानी डालें इसके यूज करें। तो बस दोस्तों इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं डेन असेंबली को। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सकें।